अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकायदा ट्विटर पर ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। घंटे भर से बहस कर रही हूँ, 3 बार ये बात कह चुकी हूँ कि हमने बकायदा दिलीप पांडे सौरभ भारद्वाज को मेल किया है, हमारे जी न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने मेल किया है और उनसे कहा है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजिए इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल अब आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। संबित पात्रा, मेरे पूरे के पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है कि स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक ब्लॉग लिखा जाना, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि वो सिर्फ ऐसे ही कोई पर्सनल व्यू नहीं हो सकता है, क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी और अगर नहीं तो क्या एक पार्टी के तौर पर आप ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मसले पर ली जाए, क्योंकि मंत्री को बर्खास्त कर देना ईजी है, क्रिमिनल चार्जेस है भाई, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? नहीं, ये प्रेशर डालने के लिए ही चंद मिनटों पर, चंद घंटों पहले, बल्कि 2 घंटे पहले हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और पूरी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, वो लगातार 3 दिन से जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी राजघाट में भी जाकर गांधी जी से ये प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दे अरविंद केजरीवाल को, ये सब हम प्रेशर कर रहे हैं। मगर जहाँ तक ये आशुतोष जी का ब्लॉग का सवाल है, मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ये आप आशुतोष जी के ब्लॉग के रूप में मत देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का की असली इच्छा है। वो उनका एक तरह से ये पार्श्व गायन है, गाना अरविंद केजरीवाल गा रहे हैं, चेहरा आपको केवल आशुतोष जी का दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर भी ट्वीट कर चुके होते, वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए अगर ये CD नहीं मिलता और महिला जाके कंप्लेन करती संदीप कुमार जी के खिलाफ और अगर पुलिस संदीप कुमार को पकड़ लेती महिला की कंप्लेन पर, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देखो हम काम कर रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये मोदी की पुलिस आकर संदीप कुमार को पकड़ के ले गई। ये तो CD सामने आ गया जो खुद संदीप कुमार ने शायद ब्लैकमेलिंग करने के लिए रिकॉर्ड कर रखा था, जो आज अरविंद केजरीवाल ऐसी बोली बोल नहीं पा रहे हैं। उन तमाम केसेस में जहां वो कहते थे हम काम कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं और मोदी जी की पुलिस आके पकड़ के ले गई, उन सब केसेस में आप जस्ट सोचिए कि किस प्रकार से बचाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से की गई है। नहीं, क्या काम कर रहे थे वो सब आज नजर आ रहा है। आलोक जी, अब आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी मैं, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की नैतिकता की बात और तमाम जो विरोधी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस, कल से इनके इस्तीफे की परसों से मांग कर रही है, तो आज जी न्यूज़ के माध्यम से मैं देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि नैतिकता, मोरल, ये सब चीज़ें पार्टी केजरीवाल में कहीं दूर दूर तक भी नहीं हैं। देश की जनता इस बार केजरीवाल जी को धक्के मार के भी अगर सीट से उतारेगी तो वो फेविकॉल के बॉन्ड के जिस तरह से वो जोड़ लगा रहता है वैसे चुपके रहेंगे। कोई इस्तीफे की उम्मीद मत करना, कोई नैतिकता की उम्मीद मत करना। सत्ता का लालच आ गया है पूरी तरह से, भ्रष्ट लोगों को, ढोंगी को, फ्रॉड लोगों को अपने साथ एक जमावड़ा बना लिया है, खूब दबा के पैसे कमा रही है ये पार्टी। देखिए कहां कहां से, कौन कौन से सोर्सेज हैं, पंजाब में अलगाववादियों तक से पैसे ले रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूं देश को सचेत रहने की आवश्यकता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से कैसे बचा जाए। वेटिकन में अरविंद केजरीवाल, वहाँ वेटिकन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर, आपकी ज़रूरत अभी देश की राजधानी दिल्ली में है, जहाँ पर महिलाएं आज की तारीख में आपसे सवाल पूछ रही है कि वादा तो आपने हमसे सुरक्षा का किया था, ख़त्म आप शोषण पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित, आपका भी और आलोक जी आपका भी।